जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया बुलेटिन। कांदना गांव जसाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री के निवास पर जनपद शामली कांदला क्षेत्र के गांव जसाला में पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के निवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पहुंचे। उनके साथ पुलिस व नेताओं की दर्जनों गाड़ियां भी थी। उससे पहले देव कैराना मरंगांका के निवास पर पहुंचे, वहां जलपान किया, गांव कंडेला में किसानों की पंचायत में शामिल हुए। बाद में कांदला नीरज प्रधान की ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। फिर कांदला बस अड्डे पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर मालार्पण किया। बाद में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां लोगों से रूबरू हुए। नमस्कार, जी इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया राजस्थान। खबर लालसोट से है। खाल की ढाणी डीडावाना डीपी में 11,000 लाइन की डीपी से निकले तार से लगी आग, बड़ा हादसा होते होते टला। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, साथ में ही पास के गेहूं की फसल में भी आग लग गई। आग के लगते ही गांव वासियों में अफरा तफरी मच गई। आग को काबू पाने के लिए ग्राम वासियों ने पानी की सहायता से आग को बुझाया और बड़ा हादसा होने से टला। नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। शहर में एक तरफ मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ सर्वधर्म संघ ने किया मास्क का वितरण। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रोको टोको अभियान के तहत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पहुंचकर प्रसिद्ध 56 दुकानों पर मास्क का वितरण करते हुए मास्क लगाने के प्रति शहरवासियों को जागरूक किया। वहीं शहर के मध्य सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बैक ने मास्क वितरण अभियान शुरू किया। साथ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडिशनल SP राजेश व थाना प्रभारी राकेश मोदी ने गुरुद्वारा से शुरू करते हुए राजबाड़ा सर्किल और आसपास के व्यापारी क्षेत्रों में सघन मास्क वितरण किया। राहगीरों को मास्क देते हुए समझाइश भी दी गई। वहीं फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों एवं बच्चों को भी मास्क दिए गए। जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया राजस्थान। 900 ग्राम अफीम दूध के साथ 3 तस्करों की पुलिस ने की गिरफ्तारी। जिला पुलिस अध्यक्ष कल्लूराम रावत के निर्देश और सोजस CO हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में बागड़ थाना अधिकारी बपूलाल जागड़ी को एक बड़ी कामयाबी मिली। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बागड़ थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के पीपलजा के निकट मुखबरे की सूचना पर संदिग्ध एक सड़क पर खड़ी पिकअप वाहन गाड़ी से 900 ग्राम अफीम दूध बरामद किया। गाड़ी में सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तस्करों ने अफीम तस्करी में लिप्त होना कबूल किया है। वहीं पाली SP ने इस मामले का अनुसंधान सोजट रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ को सौंपा। पुलिस ने 3 तस्करों से 900 ग्राम अफीम दूध बरामद कर उक्त वाहन जब्त किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजली में COVID-19 टीकाकरण हुआ। जलोर जिले के आहोर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में COVID-19 के टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। आयोजन टीकाकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरोड़ा बिजली की चिकित्सा टीम द्वारा COVID-19 का टीकाकरण किया। इस दौरान बिजली गांव के सभी 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक नियमित युद्ध जनों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान कुल 70 टीकों में से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के 40 टीके लगवाए। बारेसा बने मेंस फिजिक्स में ऑल ओवर चैंपियन। जोधपुर श्री बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में नागौरी गेट स्थित गोपाल कृष्ण वाटिका में जोधपुर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें पाली के कपिल बारेसा ने मेंस फिजिक्स में ऑल ओवर चैंपियन बने। ये जानकारी देते हुए हमें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सचिव मांगू सिंह दूतावास ने बताया कि जोधपुर श्री बॉडी बिल्डिंग मेंस फिजिक्स में कपिल बारेसा बने ऑल ओवर चैंपियन और साथ में ही 65 से 70 किलो भार वर्ग में बॉडी बिल्डिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं सचिन जोशी 55 से 60 किलो भार वर्ग में बॉडी बिल्डिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया। पाली के खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करने के लिए पावर लिफ्टिंग अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजपुरोहित, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष भवरलाल कुमावत सहित सभी पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए हौसला अफजाई की।